बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अपनी इस वीडियो के अंदर कामयाबी का एक बहुत ही प्यारा अमल लेकर आया हूँ। ऐसी कामयाबी, आप जब भी घर से किसी भी मकसद के लिए निकलते हैं, ख्वाह कोई भी हो, नेक और जायज हो, मिसाल आप कहीं नौकरी तलाश करने के लिए जाते हैं या आप कोई दुकान पर जाने लगते हैं, आप किसी से मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं, आप किसी अपने रिश्तेदार से सुलह करने के लिए जाना चाहते हैं, आप अपने किसी अजीज दोस्त को मनाने के लिए निकलने लगे हैं घर से, खास किसी भी मकसद के लिए आप अपने घर से निकलें और इस अमल को कर लें, अल्लाह पाक के फजल और करम से इंशाअल्लाहुल अजीज आप कामयाब होकर वापस आएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। तो अपने इस अमल को बताने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले हमारे बताए हुए वज़ाइफ को अच्छे अंदाज से देख सके। और इसके साथ साथ मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, अगर आप लोग अपना नाम खास दुआओं के अंदर शामिल करवाना चाहते हैं या फिर आप कोई भी वजीफा चाहते हैं तो आप लाजमी तौर पर हमें कमेंट में बताएं, इंशाअल्लाह हम उसके मुतालिक भी जरूर बजरूर आपकी रहनुमाई करेंगे। मेरी नहायत ही वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम उसी वकार दोस्तों और भाइयों, गरीबों की मदद करना बहुत ही अच्छा फेल है, इस पर बहुत ज्यादा फजाइल आए हैं। आइए चंद फजाइल आज मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। गरीब और परेशान हाल लोगों की मदद करने और इनकी हाजत पूरी करने की तरगीब के हवाले से आइए पांच अहादीस मुबारक मुलाहजा कीजिए। नंबर एक, फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, जो मेरे किसी उम्मती की हाजत पूरी करे और इसकी नीयत ये हो कि इसके जरिए उस उम्मती को खुश करे तो उसने मुझे खुश किया, और जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह पाक को खुश किया, और जिसने अल्लाह पाक को खुश किया अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल करेगा। सुभानअल्लाह, कितनी प्यारी ये रिवायत है। नंबर दो, गरीबों की मदद करने वाले से उनकी दुआएं मिलती हैं, गरीबों की मदद करने से उनकी दुआएं मिलती हैं जिनसे अल्लाह पाक की मदद शामिल हो जाती है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें अल्लाह पाक की मदद और रिज़्क कमजोर लोगों की बरकत और इनकी दुआओं के सबब पहुंचता है। नंबर तीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी बंदे की हाजत यानी जरूरत पूरी करे अल्लाह पाक दीन व दुनिया में उसकी हाजतें यानी जरूरतें पूरी फरमाएगा। सुभानअल्लाह। नंबर चार, एक और हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ दूर करे अल्लाह पाक उससे कयामत के दिन की मुसीबत दूर फरमाएगा। नंबर पांच, हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज्जम है, बेशक अल्लाह पाक परेशान हालों की मदद करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। सुभानअल्लाह, कितनी प्यारी रिवायत है। अल्लाह ताला की पाक बारगाह के अंदर दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको भी गरीबों की, यतीमों की, मस्कीनों की जो मुश्किल वक्त में है, हमें अल्लाह पाक उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आइए एक रिवायत आपको सूरह आला कुरान मजीद की सूरत है उसकी एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा कर रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इस सूरत मुबारक सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, इन सूरतुल आला तीस बारे की जो है अल्लाह के प्यारे हबीब इससे मोहब्बत फरमाते थे। मुस्नद इमाम अहमद और मुस्नद अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर ये बात मौजूद है। तो मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, सुना आपने गरीबों की मदद करने के फजाइल, आइए अब मैं आपको वो अमल बताता हूँ। अमल क्या है? जब किसी काम या मकसद के लिए अपने घर से निकले तो तीन मरतबा सूरह आला कुरान मजीद फुरकान हमीद की तीसवें बारे की पढ़कर जाए, और जिन जिन जगह
جس جگہ جائے وہاں تین مرتبہ سورہ بلد پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ کامیاب واپس آئیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، جب گھر سے نکلیں تو تین مرتبہ سورہ اعلیٰ پڑھ کر جائیں، اور جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں، مطلب آپ کام پر جا رہے ہیں، آپ کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کسی سے کوئی کام لینا ہے جا رہے ہیں، کسی سے ناجائز مقدمہ سے خلاصی چاہ رہے ہیں، تو وہاں جا کر آپ تین مرتبہ سورہ بلد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ العزیز گھر سے وہاں سے کامیاب ہو کر لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک جائے دعاؤں کو اور حاجتوں کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا سچا اور پکا عشق رسول بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔